तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के बारे में। कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट आई लेकिन यहाँ पर कभी भी स्टॉक ने अपने लास्ट लो प्राइस को यहाँ ब्रेक नहीं किया था और हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर तेज़ी ही देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी यहाँ पे हमको स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.64% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 1020 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 969 और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टॉक में हायर हाई वाला ट्रेंड है। और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक लोअर लोअर ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 905 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 845 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा सपोर्ट। मैं यहाँ से अगर स्टॉक का रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1053 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1134 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1250 उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1300-1400 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप पर रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।